नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल में शेडिया जी जीके पर फ्रेंड्स आज आपके लेकर आया हूं जोग्राफी जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंटें क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स आप किसी जगह की प्रिपरेशन कर रहे हो एसएससी यूपीएससी रेलवे एन डी एस सी एफ कैड या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम तो फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स मेरे के लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सेक्ट क्लियर आने वाले एग्जाम में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मेरी ही वीडियो से मिलेंगे तो फ्रेंड वीडियो को एंड तक जरूर देखना तो फ्रेंड्स स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू मेजर द अर्थ टू मेजर द सर्कम्फ्रेंस ऑफ द अर्थ तो आंसर इज रेटोनीस जो रेटोसिनिज था वो फर्स्ट पर्सन था जिसने अर्थ के सर्कमफ्रेंस को मेजर किया था नेक्स्ट लेते हैं ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिग्री नॉर्थ लेटिट्यूड इज़ आल्सो कॉल्ड एज तो आंसर टॉपिक ऑफ कैंसर फिर जो ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिग्री नॉर्थ लेटिट्यूड है ना उसको हम टॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं अगर आपसे ये पूछा जाए फ्रेंड्स बात हो रही है टॉपिक ऑफ कैंसर की अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो टॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया के कितने स्टेट से पास होती है तो आंसर इज़ अगर आपको पता कमेंट बॉक्स में बता सकते हो तो बेसिकली आंसर कितना है आंसर एट स्टेट्स अगर आपसे नाम पूछे जाए तो आंसर इज गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड वेस्ट बंगाल त्रिपुरा मिजोरम नेक्स्ट लेते हैं ऑन विच डेट डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज मैक्सिमम तो आंसर जुलाई फोर्थ एंड जुलाई फोर को ना सन और अर्थ के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस होता है और हम उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं तो आंसर एप्ली अगर आपसे ये पूछा जाए कि जब मिनिमम डिस्टेंस कब होता है अर्थ और सन के बीच में तो आंसर जनवरी थ्री को और उसके डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं तो आंसर पैरी हिलियो आप इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया आपके लिए इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट लेते हैं द डार्केस्ट पार्ट ऑफ तो द शेडो ड्यूरिंग एक्लिप्स इज़ कॉल्ड द तो आंसर इज़ उमरा फ्रेंड्स बेसिकली जो एक्लिप्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं एक होता है लूनर एक होता है सोलर लूनर एक्लिप्स कब बोलेंगे फ्रेंड्स अगर अर्थ सन और मून के बीच में आ जाएगा ना तो उस टाइम जो इक्लिप्स बनेगा उसको हम बोलते हैं लूनर एक्लिप्स और सोलर का बनता है जब मून आ जाएगा बीच में किसके सन और अर्थ के बीच में नेक्स्ट लेते हैं डे एंड नाइट आर फॉर्म ड्यू टू द आंसरिज रोटेशन ऑफ अर्थ फ्रेंड जो हमारे अर्थ के ऊपर डे और नाइट होते हैं बेसिकली वो उसका रीज़न क्या है कि जब अर्थ रोटेशन करती है ना उसकी वजह से डे और नाइट हमारे अर्थ के ऊपर बनते हैं नेक्स्ट लेते हैं वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन तो आंसर इज अर्थ एंड सन नेक्स्ट लेते हैं व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ लेयर्स एबव द अर्थ क्रश तो आंसर इज फाइव लेयर्स फैंड जो अर्थ क्रश उसके अबव कितनी लेयर्स हैं तो आंसर फाइव लेयर्स अगर आपके नाम पूछे जाए तो आंसर ट्रोपोस्फेयर टेटोसफेयर मेजोस्फेयर थर्मोस्फेयर एंड एग्जोस्फेर नेक्स्ट लेते हैं नेम द लेयर विच इज़ क्लोजेस्ट टू द अर्थ क्रस्ट तो आंसर इज ट्रॉपोस्फेयर जो ट्रोपोस्फेयर है ना वो सबसे नियरेस्ट लेयर है अर्थ क्रस्ट से नेक्स्ट लेते हैं वेर इज द ओजोन होल इज डिटेक्टेड इन द एटमोस्फेयर तो आंसर इज अब अंटार्टिका नेक्स्ट लेते हैं इसोनेफ रिप्रेजेंट द लाइन्स ऑफ इक्वल तो आंसर इज क्लाउडीनेस जो इसोनेफ है ना वो रिप्रेजेंट करता है द लाइन ऑफ इक्वल क्लाउडीनेस फ्रेंड्स मेरे और भी चैनल जैसे करंट अफेयर बाई वीरेंद्र वरेंद्र साइन जी के आप इनको फॉलो कर सकते हो और फ्रेंड आप इंस्टाग्राम टेलीग्राम फेर ज्वाइन कर सकते हैं वीरेंद्र शेटी है को जी के नेक्स्ट लेते हैं द साइंस ऑफ ड्राॅंग एंड स्टडी ऑफ मैप इज कॉल्ड तो आंसर इज फ्रेंड जो ग्रा बेसिकली मैप की जो स्टडी होती है ना या फिर आप ड्राॅइंग भी कैसे उसको हम क्या बोलते हैं तो आंसर इज कार्टोग्राफी नेक्स्ट लेते हैं वाई द अर्थ इज़ हैविंग इट्स ओन एटमोस्फेयर तो आंसर ड्यू टू ग्रेविटी जो ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से ना हमारे अर्थ के ऊपर खुद का एटमोसफेयर है नेक्स्ट लेते हैं नेम द मोस्ट अबूडेंट मेटल प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट तो आंसर इज अल्मोनीयम फिर जो अल्मोनियम है सबसे ज़्यादा हमारे अर्थक्रस्ट में प्रेजेंट होता है अल्मोनियम का सिंबल क्या होता है तो आंसर इस एल इसका जो अटोमिक नंबर होता है वो था थर्टीन आप इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स नेक्स्ट लेते हैं विच प्लान लुक रेडिश इन द नाइट स्काई तो आंसर इज मार्स प्लान फैम जो मार्स प्लान है ना वो रात को ना रेड कलर का दिखता है नेक्स्ट लेते, लेते हैं नेम द मोस्ट अपडेड एलिमेंट इन द अर्थ एटमोसफियर तो आंसर इज नाइट्रोजन कितना परसेंट है तो आंसर सेवेंटी एट पॉइंट जीरो नाइन परसेंट अगर आपसे पूछा कि ऑक्सीजन कितना परसेंट है तो आंसर ट्वेंटी पॉइंट नाइन फाइव परसेंट फ्रेंड्स आपको मैं इस वीडियो में ट्वेंटी क्वेश्चन कराऊंगा उसके बाद मैं आपको वही ट्वेंटी क्वेश्चन रिवाइज कराऊंगा ताकि आपको सारे क्वेश्चन हमेशा के लिए याद हो जाए लास्ट में आपके लिए तीन क्वेश्चन का टेस्ट रखा आपने क्या करना है उनके आंसर जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताने हैं नेक्स्ट लेते हैं डिफरेंट कलर ऑफ द स्टार इंडिकेट्स इट्स तो आंसर टेम्परेचर फैन जो स्टार के जो डिफरेंट कलर होते हैं वो उसका टेम्परेचर इंडिकेट करते हैं अगर किसी स्टार का कलर ब्लू है तो मतलब उसका जो टेम्परेचर मैक्सिमम है नेक्स्ट लेते हैं व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टार आउटसाइड द सोलर सिस्टम तो आंसर साइरस फैन जो साइरस है ना वो ब्राइटेस्ट स्टार है आउटसाइड सोलर सिस्टम और हम साइरस को दूसरा नाम क्या है तो आंसर डॉग स्टार नेक्स्ट लेते हैं ट्रिटन इज द मून ऑफ विच प्लानट तो आंसर नेपचून प्लानट फैन जो ट्रिटन है वो किस मून का प्लानट किसका मून का प्लानट है जो है वो किस मून किस प्लान का मून है तो आंसर इस नेपच्यून प्लानट का और फ्रेंड जो फर्देस्ट प्लान हमारे सोलर सिस्टम में उसको डिस्कवर किसने करा तो आंसर जी जे जी गैले ने और फ्रेंड जो कोल्डेस्ट प्लानिट एंड ओल्डेस्ट प्लान भी हमारे सोलर सिस्टम में फ्रेंड्स अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और मीनू टेन फ्रेंड्स का शेयर जरूर कर दीजिएगा और फ्रेंड्स आप इंस्टाग्राम टेलीग्राम फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हो जी के नेक्स्ट लेते हैं वट इज द स्टडी ऑफ द मून इज कॉल तो आंसर इज सलिनोग्राफी फ्रेंड जो सिलीनोग्राफी बेसिकली क्या होती है स्टडी ऑफ मून मून की स्टडी हम क्या कहते हैं तो आंसर इज सलिनोग्राफी लास्ट क्वेश्चन द थर्ड एज इट इज सिचुएटेड इन विच कॉन्टीनेंट तो आंसर इज एशिया अगर आपसे कंट्री पूछी है तो आंसर इज इंडिया अगर इंडिया के स्टेट पूछी है तो आंसर राजस्थान फ्रेंड जो ट्वेंटी क्वेश्चन थे आई होप को ये कंटेंट अच्छा लगा होगा तो फ्रेंड अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा एस फ्रेंड्स अब बात करते हैं रिवीजन की उसके बाद मैंने आपके लिए ऑनलाइन टेस्ट रखा था आपने वो अटेंड जरूर करना है तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू द मेजर फ्रेंस ऑफ द अर्थ आंसर एडाटो ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिग्री नॉर्थ इज आल्सो कॉल्ड एज ऑफ कैंसर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन विच डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज मैक्सिमम तो आंसर तो इज तो जुलाई फोर्थ मिनिमम कब होती है तो आंसर इज जनवरी थर्ड को मैक्सिमम डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं आंसर एप्लीन और मिनिमम को बोलते हैं पेरिहली नेक्स्ट लेते हैं द डार्केस्ट पार्ट ऑफ द शेडो ड्यूरिंग एक्लिप्स इज कॉल्ड आंसर उमरा और फैन जो लूनर एक जो एक्लिप्स होते हैं बेसिकली वो दो टाइप के होते हैं लूनर और सोलर लूनर कब बनता है जब अर्थ आ जाएगा किसके बीच में सन और मून के बीच में सोलर कब बनता है जब मून आ जाएगा सन और अर्थ के बीच में नेक्स्ट लेते हैं डे एंड नाइट आर फॉर्म ड्यू टू दंसर इज रोटेशन ऑफ अर्थ नेक्स्ट क्वेश्चन द वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन तो आंसर अर्थ एंड सन नेक्स्ट लेते हैं वट इज द टोटल नंबर ऑफ लेयर एवं द अर्थ क्रेश्ट फाइव लेयर नाम पूछे जाए द ट्रोपोस्फेयर टेटोस्फेर मेजोफियर थर्मोस्फेर एग्जोस्फेर नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द लेयर विच इज कलोज टू द अर्थ अर्थ क्रस्ट क्रेश ट्रोपोस्फियर नेक्स्ट क्वेश्चन वेर इज द ओजोन होल इज रिटेक्टेड इन द एटमोस्फेयर तो आंसर इज एव नेक्स्ट लेते हैं रिप्रजेंट द लाइन ऑफ इक्वल तो आंसर इज क्लाउडीनेस नेक्स्ट लेते हैं The science of drawing and study of map is called. So answer is cartography. Next question: Why the Earth is having its own atmosphere? So answer is due to gravity. Next question: Name the most abundant metal present in the Earth's crust. So answer is aluminium. Next question: Which planet look reddish in the night sky? So answer is Mars planet. Next question: Name the most abundant element in the earth's atmosphere. So answer is nitrogen. अगर आपसे ये पूछा है कि नाइट्रोजन कितना परसेंट तो आंटी सेवेंटी एट पॉइंट जीरो नाइन ऑक्सीजन कितना है तो आंसर ट्वेंटी पॉइंट नाइन फाइव परसेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंट कलर ऑफ स्टार इंडिकेट आंसर इज टेम्परेचर और फ्रेंड्स जो ब्लू कलर होता है बेसिकली मैक्सिमम टेम्परेचर को इंडिकेट करता है नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज़ द नेम ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टार आउटसाइड सोलर सिस्टम तो आंसर इज साइरस और फिर जो साइरस है ना उसको हम ब्लॉक स्टार भी कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन रहते हैं ट्रिटन इज अ मून ऑफ विच प्लानट तो आंसर इज नेपच्यून प्लानट और फैन जो फर्दस्ट प्लान हमारे सोलर सिस्टम में इसको डिस्कवर किसने करा तो आंसर जे जी गले ने और ये कोल्डेस्ट एंड ओल्डेस्ट प्लानट है हमारे सोलर सिस्टम में नेक्स्ट लेते हैं वट इज स्टडी ऑफ द मून इज़ कॉल तो आंसर इज सिलिनोग्राफी फैन जी मून की स्टडी हम क्या कहते हैं तो आंसर इज सिलिनोग्राफी नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड एज इज इज इन विच कॉन्टिनेंट आंसर एशिया कॉन्टिनेंट कंट्री तो इंडिया स्टेट पूछे राजस्थान फैन जी ट्वेंटी क्वेश्चन थे मैंने आपको रिवाइज भी करा दिए आई होप ये क्वेश्चन सारे याद हो गए होंगे अब बात करते हैं फ्रेंड टेस्ट की तो देखते हैं इसके आंसर कमोन कौन कौन कमेंट कर पाते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंट कलर ऑफ द स्टार इंडिकेटेड्स नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टार आउटसाइड द सोलर सिस्टम लास्ट क्वेश्चन डे एंड नाइट आर फॉर्म ड्यू टू फ्रेंड ये तीन क्वेश्चन है आपको इनके आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताने थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से टॉपिक पर थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम थैंक यू सो मच